अगर उन देवताओं में से कोई उस अभिमान को मार पाया कि मैं पुरुष हूं, वो है बाबा भोलेनाथ। और बाबा भोलेनाथ गोपी बने। जब पार्वती जी तैयार हो रही थी ना, देवी जी से पूछा कहां जा रही हो? आपको पता नहीं श्रीधाम वृंदावन में आज महारास होगा, महारास में सम्मिलित होने के लिए जा रही हूं। बाबा भोलेनाथ बोले अकेली अकेली जा रही हो, हमें भी ले चलो। नहीं आप नहीं जा सकते। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता? अरे वहां पर सिर्फ स्त्रियों का ही प्रवेश है, पुरुषों का कोई प्रवेश नहीं। बाबा भोलेनाथ बोले तो एक काम करो, हमको स्त्री बनाकर ले चलो, हमें गोपी बनाकर ले चलो, हम गोपी बनकर चलेंगे तुम्हारे साथ। रास्ते दिखाओ, दर्शन तो कराओ प्रभु के उस महाराज का। कैसे बनोगे? अरे जैसे तुम पहनती हो साड़ी वैसे हम पहन लेंगे, हम गोपी बनने को तैयार हैं। और श्रीधाम वृंदावन में आज भी महादेव बाबा का गोपेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, वहां का एक मंदिर अभी भी, वहां गोपी बनते हैं प्रत्येक दिन, वृंदावन में गोपी बनते हैं। जहां आए गोपी बन्यो बाबा भोले, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन। गाऊंगा नहीं, घबराओ नहीं, कदा सुना रहा हूं। वृंदावन आ गए, वृंदावन पहुंच गए, वो गोपी बनकर पहुंचे। तो एक बात बताइए, अगर उस महाराज में तनिक भी काम का लेस मात्र भी प्रवेश होता तो क्या बाबा भोलेनाथ गोपी बनकर वहां पहुंचते? अरे वो लोग बड़े मंद बुद्धि हैं, वो लोगों की सोच बड़ी निम्न स्तर की है, गिरी हुई है, जो भगवान के इस रास को अशोभनीय समझते हैं या निंदा करते हैं या उस दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसे लोग नरकगामी होते हैं जो भगवान के इस पवित्र रास को, जिस रास में भगवान ने काम को परास्त किया। ये काम युक्त नहीं है, काम मुक्त है। काम युक्त नहीं है, काम मुक्त है। यहां पर रास में जब कामदेव कृष्ण के पास पहुंचे और कृष्ण से कहने लगे, मैं चाहता हूं कि आपसे युद्ध करूं, भगवान से कृष्ण बोले, देखो भैया हम गाय चराने वाले लोग, हम आपसे युद्ध कैसे कर सकते हैं? आपसे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बिचारे, बड़े बड़े देवताओं को आपने नहीं छोड़ा तो मेरी क्या मजाल। अगर आप लोग दृष्टिकोण से, अच्छे दृष्टिकोण से काम को देखें तो काम अशोभनीय नहीं है, गलत नहीं है। और इस काम को कोई ये कहता हो कि मैंने हराया है या मेरे हृदय में काम भावना नहीं है, ये बहुत टेढ़ी बात है मेरे भाई, बहुत मुश्किल काम है। इतना मुश्किल काम है कि समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे हमने तो ऐसे लोगों को देखा है भाई, बुरा मानने वाली बात नहीं है, दिखाने के लिए हम लोग बहुत बड़े बड़े, लेकिन उनके हृदय में भी कहीं ना कहीं काम की अग्नि जल रही होती। धामों में आना जाना रहता है इसलिए जानते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलना रहता है इसलिए जानते हैं। बड़े बड़े लोग तो अपना अपना काम शांत करने के लिए बेचारे देश विदेश पर्यटन करने जाते, घूमने जाते हैं अपने मन की कामनाओं को शांत करने के लिए। इतना बुरा है ये काम और इतना विचित्र है ये काम, शहर में नहीं, देश में नहीं, विदेश में नहीं, हर जगह ये काम की छत्र छाया है। बड़े बड़े लोक के छोड़ो, परलोक की बात करते हैं, इंद्र जैसा व्यक्ति जो देवताओं का राजा है वो अहिल्या के पास चला जाता है, चंद्रमा अपने गुरु पत्नी के साथ में चला जाता है। काम जिसको देवता नहीं हरा पाए, हम लोग कैसे हरा पाएंगे? फिर क्या करें? काम को अगर हराना है तो जिसने कामदेव को हराया है उसके चरण पकड़ के बैठ जाओ। कामदेव को किसने हराया है? पूरे जहां में अगर किसी ने कामदेव को हराया है तो मेरे कन्हैया ने हराया है, इसलिए कन्हैया के पांव पकड़ के बैठ जा, तेरे चरणों में आई बचा ले इससे। ये काम की आंधी है, जो भी इसके सामने आएगा बह जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन बचेगा कब? जब सर्वेश्वर श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लेगा। कामदेव गए कृष्ण के पास, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं।
श्री कृष्ण बोले, हम गैया चराने वाले आदमी तुमसे युद्ध कैसे कर सकते हैं? आपने तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को परास्त कर रखा है, देवऋषि नारद को तो आपने बंदर बना रखा है। शंकर बाबा भी मोहित हो गए थे मोहनी के ऊपर, ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे सरस्वती के ऊपर, फिर हमारी तो भैया हम तो ग्वाल गवार, हम क्या करें? नहीं महाराज, हमें नारद जी ने भेजा, उन्होंने कहा आप बहुत हमसे युद्ध कर सकते हैं। कन्हैया बोले किसने भेजा है? नारद जी ने भेजा है जी साहब, अब फिर तो आपसे युद्ध करना पड़ेगा। तो जब नारद जी भेजेंगे फिर तो युद्ध करना पड़ेगा, आइए हम आपसे युद्ध करेंगे। बताइए कौन सा युद्ध करना, मैदान का कि किले का? कामदेव सोचे, अभी तो कह रहे थे हम युद्ध करना क्या जाने, अब युद्ध की विधि समझा रहे हैं। यही है नटखट मेरा कन्हैया, यही है मेरा सांवरिया, यही है चित चोर मेरा बाल मुकुंद, सर्वेश्वर माकन चोर चित चोर कन्हैया। अभी तो कह रहे थे मैं युद्ध की विधि नहीं जानता, मैं युद्ध करना नहीं जानता, अब युद्ध की विधि समझा रहे, पूछ रहे कौन सा युद्ध करोगे, किले का युद्ध करोगे कि मैदान का युद्ध करोगे। कामदेव बोले मैदान का युद्ध ठीक है, किले के तो बहुत युद्ध किए। मैदान का युद्ध, किले का युद्ध किसको कहते हैं? किले का युद्ध उसको कहते हैं जब मैं एकांत में बैठा हूं, अपने आराध्य का स्मरण कर रहा हूं, तुम उस समय आना, अपने मेरे ऊपर पूरी शक्तियों का प्रयोग करना, अगर मेरे हृदय में काम जागृत हो गया तो तुम्हारी विजय, और नहीं हुआ तो मेरी विजय। मैदान का युद्ध जिस समय एक से एक सुंदरी गोपियों के मध्य में मैं अकेला पुरुष हूं, रात्रि का समय हो, तब तुम आना और मेरे हृदय में काम शक्ति जागृत करने की कोशिश करना, अगर कर पाए तो तुम्हारी विजय, नहीं तो मेरी विजय।